ऑस्कर में इस बार नोमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते हैं। ये बेस्ट फिल्म बनी है और साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म ने अपने नाम किया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बफ और मैं हूँ आपके साथ शामनी कात्याय। 93rd एकेडमी अवार्ड्स में कई ऐसे अवार्ड्स मिले हैं जिनसे इतिहास रचा गया है। फिल्म नोमैडलैंड की इस बार क्लोई चाओ ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। वो ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार हासिल किया है। साथ ही चाओ ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। इसके अलावा फिल्म मिनारी के लिए यू जंग योन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली कोरियन महिला बन गई हैं। ऑस्कर में इस बार नोमैडलैंड ने ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते हैं। ये बेस्ट फिल्म बनी है और साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म ने अपने नाम किया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को मिला है। वहीं डेनियल कलूया को फिल्म जूडस एंड द ब्लैक मसाया के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। साथ ही इवेंट के दौरान अभिनेता इरफान खान के साथ साथ भारतीय ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु आथिया को भी ट्रिब्यूट दिया गया। सोमवार को आयोजित अवार्ड इवेंट के मेमोरियम सेगमेंट में इन कलाकारों को फीचर किया गया। इरफान खान ने हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो और कई अन्य फिल्में की हैं। वहीं भानु को गांधी इन 1982 के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिल चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। खबरों को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।